मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की 5 लिस्टें जारी हो चुकी हैं, वहीं पर कांग्रेस भी अपनी पहली सूची में 144 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और जब से यह उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, लगातार कांग्रेस में बगावत के सुर गूंजने लगे। और वहीं पर बिंध में रीवा जिले से बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, जहां पर सिद्धार्थ तिवारी राज, जो कि पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों आज वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। आपको बता दें, सिद्धार्थ तिवारी राज, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी के पोते और सुंदर लाल तिवारी के बेटे हैं, लगातार 74 विधानसभा में सक्रिय थे और टिकट न मिलने की वजह से पार्टी से नाराज चल रहे थे। साथ ही उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए थे कि वह अन्य पार्टी में जा सकते हैं, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस शब्द हटा दिया था। उनके समर्थकों का इस्तीफा देना और तमाम बड़ी वजह थी जो कि उनके अन्य पार्टी में बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें थी, लेकिन वह अटकलें आज समाप्त हो गई हैं। राज तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस विधानसभा सीट से टिकट देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि त्योथर से राज तिवारी लगातार दावेदारी कर रहे थे, ऐसे में त्योथर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस का एक यहां जमाना हुआ करता था, जिसमें सिद्धार्थ तिवारी के दादा श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और सुंदरलाल तिवारी उनके बेटे श्रीनिवास तिवारी के कांग्रेस के बड़े नेता थे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी राज ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर अब सिद्धार्थ तिवारी राज को भारतीय जनता पार्टी त्योथर या फिर अन्य विधानसभा सीट से टिकट देती है। यह देखने वाली बात होगी। बने रहिए अगली अपडेट के लिए विराट 24 न्यूज के साथ।